आजाद समाज पार्टी झारखंड में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 17 सदस्य कार्यकारिणी सदस्यों का घोषणा किया गया है, जिसमें जमशेदपुर के काशीपुर राजा सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष, रांची के मधुसूदन कुमार को मुख्य महासचिव, नसीम साज को संगठन सचिव बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष काशी राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड को बिहार से अलग हुए 23 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज भी झारखंड के तमाम दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के समाज को शिक्षा, रोजगार, व्यापार, न्याय, अधिकार से वंचित रखा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं सरकार की मिलीभगत से आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के कुछ पूंजीपति भू माफियाओं द्वारा खुलेआम ये जो दिया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री जी बात करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर ईसाई समाज अत्याचार और शोषण बढ़ता जा रहा है। झारखंड प्रदेश के आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे आजाद समाज पार्टी के मुख्य महासचिव भाई मधुसूदन कुमार जी को बनाया गया है। हमारे इधर झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के जगन नंदन नायक जी को बनाया गया है। यानी कुल मिला के जो है 17 आजाद समाज पार्टी की जो है पदाधिकारी को घोषणा कर दी गई है और हम यहाँ पर पूरी ताकत से आजाद समाज पार्टी के हम आपका जो प्रत्याशी उतारेंगे। आज झारखंड में जो है हम लोग सब लोग कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज की जो पार्टी झारखंड में जो है, यहाँ पर झारखंड में कोई नाम की आपका जो है पार्टी है, यहाँ जो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के पार्टी यहाँ पर इस समाज को रक्षा कोई नहीं कर रहा है। जितने पार्टी झारखंड में है, माननीय हेमंत सोरेन जी, हम अगले बार के जो विधानसभा चुनाव में हमने समर्थन हमने दिया था उनके आवास पर जाकर, बाकी जो वादा किया था वो मुकर गया। आज जो है कि यहाँ एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई माई बाप झारखंड में नहीं है। मुस्लिम समाज का खुलिया में आपका मलुंची आपका जो हत्या हो रही है, यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का आपका यहाँ पर जो है सरकार जिस उद्देश्य से जनता ने हेमंत जी को वोट देकर सरकार बनाया था, हेमंत जी खरा नहीं उतरे। आज जो है हमने माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी झारखंड की पीड़ा देकर, दुख दर्द देकर, एससी एसटी ओबीसी समाज को दुख दर्द